सो हे गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। डिमाइनर आर्डर में आपका स्वागत है। तो आज की जर्नी होने वाली हमारी हिसार से चंडीगढ़। तो साथ में हमारे हैं आयरा। तो आज की जर्नी फर्स्ट जर्नी इसके साथ है मेरी। और साथ में हमारे हैं हमारी राखू। तो बहुत लेट हो चुके हैं, तो 4:10 हो चुके हैं। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है, तो धूप बड़ी खतरनाक है। तो आगे का व्यू मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलता हूँ आपको GoPro पे। तो ये हाल है रोडवेज का। रोडवेज प्राइवेट, मतलब मैं कह रहा हूँ यार, ऐसे ठका ठक रहती है एकदम फाड़ू वाली। ऐसे ऐसे बंदों को चलानी तो आती नहीं, पैसे दे के लाइसेंस बनवा ले, इंडिकेटर दे रखा फिर भी ओवरटेक कर रहे हैं। ये देखो आपको ना हर जगह फ्लैग मिलने वाले हैं, क्योंकि पास में 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त के लिए फ्लैग्स लगा रखे हैं, एकदम मस्त लगते हैं। सो गाइस, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, सबको ऑलमोस्टली, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जो फ्लैग होता है, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो इसीलिए ये फ्लैग्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो अच्छे से मतलब इंजॉय किया जाता है इस डे को, एकदम मस्त वाला। देखो पीछे रोडवेज थी, अब ये प्राइवेट भी एकदम ठका ठको रखी है, ऊपर नीचे बंदे। भाई प्राइवेट में तो क्या है ना, 10-20 रुपये कम ले लेते हैं, तो प्राइवेट में ऊपर भी चढ़ा देते हैं। चलो भाई 20 रुपये कम दे देना, ऊपर चढ़ जाना। वो देखो ऊपर भी चढ़ रखे हैं, तो भाई खतरनाक सीन होता है यहाँ पे। ये फुल भर रखी है, और उससे यार रक्षाबंधन के कारण वैसे भी मतलब आना जाना लगा रहता है। तो राखू भी आराम से बैठे हैं, और आयरा भी हमारी सो गई है, तो अभी तो कुछ नहीं बोल रही, जब उठेगी ना, जब बवाल होने वाले हैं। चलो ये भाई हाईवे पे चल रहा है, और इसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। फोन नहीं छोड़ेगा भाई, तो पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में लोग आ जाते हैं। अरे भाई 2 मिनट रोक के बात कर लो, ऐसे भी क्या जरूरत पड़ी है। ये देखो हमारी राखू को बार बार इसकी फिक्र हो रही है, जैसे मेरे को फिक्र हो रही है, क्योंकि आन बान शान हमारी है, हमें इसको सेफ रखना चाहिए, हमें हिफाजत करनी चाहिए इसकी। जो हमारे मिलिट्री के बंदे हैं ना, वो इसके लिए यार अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और हम इसको सेफ तक नहीं रखते। हम इसको जैसे 15 से 16 अगस्त होती है ना, आप लोग इसको ना कहीं कहीं फेंक देते हो यार, प्लीज़ ऐसा मत करना यार। अगर आप ले रहे हो, अगर लेने की हिम्मत है, तो संभालने की भी हिम्मत रखो आप, इधर उधर मत फेंको। ये अपने घर में सेफ रखो, कहीं भी रख दो यार। इतना सारा आप कूड़ा करकट रख सकते हो घर में, लेकिन एक आदमी छोटा सा फ्लैग नहीं रख सकते अपने घर में यार, क्या करोगे आप लोग। और आर्मी के बंदे हैं ना, जो उनको दिल से सल्यूट है, क्योंकि ना वो बंदे अपनी जान तक दे देते थे इस फ्लैग के लिए, और हम इसको सेफ नहीं रखते। जितने इसको यूज़ करते हैं ना, उतना ही इसको फेंक देते हैं लोग, बट ये नहीं करना चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि मेरे को आगे बैठना है, बट मेरे पास है बैग, अपना टैंक बैग। तो अभी देखते हैं, एक बार राखू को पकड़ाते हैं बैग को, तो देखते हैं कितनी देर बैठ पाती है। तो अभी देखते हैं आहरा कितनी देर तक बैठ पाएगी आगे। क्या हुआ आहरा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आयरा, क्या हुआ, आगे बैठने हैं क्या? जंगल में आ गया। जंगल? ये जंगल किसने बोला है? मम्मी ने बोला जंगल। क्या बोला मम्मी ने? अच्छा अभी कहाँ बैठना है आपको? अरे पता है, लो फिर बैग पकड़ो। सो बैग दे दिया मैंने राखू को, और आयरा आ गई है आगे, और अभी हम बैठेंगे। सो भारी भरकम बैग है, सेट है ये। तो चलो आयरा, चलो भाई। तो अब देखते हैं आयरा धनु रानी की हवाएं झेल पाती है नहीं। क्या कर रहा है? क्या हो गया? जंगल। हाँ जंगल
अरे कुछ नहीं, अभी कर देंगे अपन जंगल मंगल को पार, अभी पार कर देंगे जंगल मंगल। पता चला है पहन के फूल खिला है। सो आयरा आ गई हमारी आगे और अब इसकी बातें सुनना पता नहीं कर पाएगी नहीं, क्योंकि हवाएं तेज होती है। तो फ्लाई ओवर पार करने के बाद हम इसको मेरी साइड फेस कर लूँगा आयरा का, अभी सामने है नहीं तो रोने लग जाएगी। तो अभी दीदी की शरारतें शुरू हो चुकी है। तो आयरा दीदी हेलो हेलो। तो आयरा जरा सा भी नहीं डर रही, आने वाले टाइम में राइडर होने वाली है, क्योंकि ना अभी से 2.5 साल की है और अभी से ना मेरी बाइक पे बैठ जाती है। तो इसकी मेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ रही क्योंकि हवाएं तेज है, बट पता नहीं क्या बोल रही है। हाँ ओके, जंगल से डर लगता है। ओके अब जंगल में नहीं रोकेंगे अब, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था, आयरा ने अपना फेस चेंज करवा दिया, मैंने आयरा का पेपर को फेस कर लिया है ताकि इसके हवाएं ना लगे। तो अगर मतलब ऐसे ही शांत रही ना ये, तो आगे वाली राइड्स पे ना इसका हेलमेट और राखू का हेलमेट दोनों का ले आऊँगा मैं। आरू का छोटा बनवा देंगे और राखू का थोड़ा सा बड़ा, तो फिर इजीली राइड हो जाएगी, इसमें डस्ट वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। बट अभी आयरा ना 2.5 साल की है तो हेलमेट्स वगैरह पहनने की नहीं, तो इसलिए मैं लेके नहीं आ रहा। अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये समझने लग जाएगी, तो हम इसका भी हेलमेट ले आएंगे मस्त वाला एकदम, उस पर लिखवाएंगे छोटा भीम की मस्ती धूम मचाए। ये लद्दाख के जो फ्लैग है ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो मतलब कलरफुल सी हो गई हमारी बाइक जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था भाई से फ़ोन नहीं छूट रहा, अब क्या कर रहा है बार बार मेरे सामने आ रहा है, और इसको ये नहीं पता कि चला कौन रहा है। बेटा पकड़ना एक बार है, ये देखो यहाँ पर छपरी राइडर बहुत मिलेंगे आपको, और यहाँ पर पानी पानी भरा हुआ है, उधर भी देखो इधर भी देखो, तो फसल सारी ख़राब हो जाती है यार। 105 हमारी भाग रही है, 106। ओ भाई स्प्लेंडर ले लो यार, ये देखो ना हेलमेट पहनने का नतीजा ये है। अबे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्प्लेंडर फिर से हार चुकी है, इसको क्या हो सीधे बैठोगे, अभी क्या हुआ क्या हुआ मेरा साहब, बैठो भाई बैठो फटाफट से। हाँ जी कैसे हो साहब, क्या हुआ थक गए? सो भाई राखू थक गया है यहाँ पे हमारा, है ना राखू थक गया ना? तो थके नहीं है, अभी हिम्मत है, प्यास पूस लगी है। तो आ रहा हो यार, मतलब मेरी टी शर्ट देखते देखते परेशान हो गई थी, तो कहती है मेरे को तो आगे का व्यू देखना है। अब इसको कौन समझाए कि आगे का व्यू तो पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाद में भी देख सकते हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, अभी इसको देखना तो ये देख लेगी, है ना। तो आगे फाइनली भाई, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, तो चलान वालान कट रहे हैं, तो भाई रुक गया हेलमेट देख के। ये देखो कोई खतरनाक वाली गाड़ी ठुकी है, तो पुलिस पुलिस आ रखी है यहाँ पे, तो चलान नहीं कट रहे यार, गाड़ी ठुकी हुई है पीछे। तो अभी एक छोटा सा नुकसान हो गया, बोतल गिर गई है पानी की, तो कुछ बात नहीं अब नई ले लेंगे। बढ़िया था घर की बोतल थी यार, बाहर वाली बोतल आपको पता ही है, चलो तो ऐसा तो होता रहता है। बट आयरा देखो कितना इंजॉय कर रही है एकदम मस्त वाला, ये देखो इसको थोड़ी सी वो नहीं हो रखी, एकदम मस्त वाला सीन है इसका, ये जो लाइफ है ना यार एकदम मस्त लाइफ है, इसको जैसे रहना है वैसे रहती है, जिसको जैसे करना है वैसे करती है। ओ मेरा फ्लैग मत तोड़ दे ना बेटा, ओ आयरा बाबू
तो हमारा फ्लैग सेफ रखेंगे, मस्त रखेंगे एकदम। ये देखो अब आयरा ड्यूटी कर रही है, अब आयरा ठीक कर रही है इसके, बट हार नहीं पहुंच रहे इसके, बट ठीक कर देती है, मुझे पता है, इसका विश्वास है मुझे। अभी तो कुछ भी परेशान नहीं कर रही, कई बार तो ना इतना परेशान कर देती है, ये 2-2 किलोमीटर के बाद रुकवाने लग जाती है, पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे करना है, मम्मा वो करना है, मुझे मम्मा वो करना है, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ। ये देखो अभी ठीक है, इसका मूड मस्त है एकदम, ये बैठी आराम से, नहीं तो बैठती नहीं है, पापा ये करना है, पापा वो करना है, मम्मा ये करना है, तो ऐसे ड्रामे चलते रहते इसके, वो ड्रामे सहने पड़ते हैं। अब ये देखो अब ये फ्लैग मत तोड़ दियो मेरा, ओ भाई क्या कर रहा है, फ्लैग टूट जाएगा मेरा, इतनी दूर से लेके आऊँ मैं, यहाँ तो मिलने का भी नहीं। बाबू ये रियल फ्लैग है लद्दाख का, क्या हुआ बाबू, पानी पीना है, पानी पीना आपको, चलो आगे आगे लेते हैं बोतल, ओके, अपने वाली बोतल गिर गई है, आगे पीते हैं हम लोग, ठीक है। एक पानी की बोतल आयरा के लिए, तो पानी पिलाते हैं आयरा को एक बार, मैं लेके आ रहा है। आयरा ये लेके आई थी एक घर से, तो अभी साथ जा रहा है, ये भी हमारे साथ राइड कर रहा है, और आयरा भी, तो आयरा और आयरा का दोस्त, इसको और लेके जाना पड़ता है और इसको भी, तो दोनों ड्रामे बाज हैं। बैठ जा भाई पीछे, फटाफट से चलते हैं, ठीक है ना। पानी पी लिया, और ये रोएगा तो नहीं, नहीं रोएगा ना, रोएगा नहीं ना, ये अगर रोया तो नीचे गिरा दूंगा इसको। चले अब, ठीक है, ओके, हाँ चलो मम्मा को दे दो, ये गिर जाएगा बाबू, नहीं तो बोतल दे दो, चलो मम्मी को, गिर जाएगा बाबू। ये देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसके ड्रामे शुरू हो गए हैं अब, और इसके ड्रामे अब पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, अब इतना सफ़र मतलब तय कर दिया ना इसने अच्छे से, अब इतने ही ड्रामे करेगी, ये ड्रामेबाज है, ये बार बार इसको छेड़ रही है, वही काम जो इसने सारा यूज कर दिया है। अभी सारा देखो कैसे अटकाना पड़ा है मेरे को, अभी भी छोड़ नहीं रही है, और अगर बोलूंगा तो ये रोने शुरू कर देगी, जो ड्रामे बात तो है ही ना सही है, और इसके इतने ड्रामे। अभी वहाँ तक पता नहीं चंडीगढ़ तक सलामत छोड़ेगी या नहीं, जब से बैठी है जब से शुरू हो रखी है इस पर ही, कभी इसको छेड़ती है कभी फ्लैग को छेड़ती है। अंधेरा हो चुका है और आयरा कह रही है मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि अंधेरे से ना बच्चे को डर लगता है। क्या हो गया आयरा, जंगल से डर लग रहा है आपको, डर लग रहा है, आ जा बाबू, आ जा इस साइड फेस कर ले, बस अब आपकी आंख में मच्छर भी नहीं घुसेंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है, अब पकड़ के बैठ जाओ। सो गाइस नाइट में मच्छर बहुत हो जाते हैं, और मेरा जो वाइजर है वो ब्लैक कलर का है यार, इसमें ना नाइट में थोड़ा कम दिखता है बट कम दिखता है, और यार ओपन करके चलाना ना यार, मच्छर आंखों में घुसते हैं, तो ये बड़ा सबसे सीन है नाइट में ड्राइव करना, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लोली चल पड़ेंगे, बट खोल के चलाना पड़ता है, ऐसे नहीं चला सकता, इसलिए वॉइस थोड़ी बहुत क्लियर नहीं आएगी, उसके लिए समझ आऊँगा मैं आपसे,
तो अब थोड़ी सी वॉइस आपको थोड़ी कम आ रही होगी, बट एडजस्ट कर लेना यार मेरे लिए। जिरकपुर, और जिरकपुर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मैं कह रहा हूँ फाड़ू, बहुत लंबा पैच है भाई। तो इस पैच में, बट मेरे को एक याद आ रहा है, एक भाई की मैंने हेल्प की थी एक बार, तो उसने मेरे को एक शॉर्टकट दिखाया था, सोच रहा हूँ मैं उसी से चला जाता हूँ। यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया, मैं 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, बट वहाँ से अपने को रिस्की लगा थोड़ा सा, तो अपन नहीं गए वहाँ से। सो गाइस, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट मैं वही पैच अपनाता हूँ आज। तो ये वाला रोड है, और यहाँ पे तो ट्रैफिक ही बहुत है ख़तरनाक वाला, तो हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोड करेंगे। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, वहाँ पे तो यार गर्मी होगी थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का पोल्यूशन है जो वो गर्मी कर देता है। तो हम लोग यहाँ से आगे, अगर आप भी आ सकते हो, बट उस दिन भाई की हेल्प की थी मैंने, पेट्रोल ख़त्म हो गया था भाई का, वो मेरे पास पड़ी है वीडियो अभी भी, तो आज मेरे को काम आ गया उसकी हेल्प की हुई। तो कहीं ना कहीं यार कोई ना कोई कभी ना कभी काम आ ही जाता है, तो उसका शायद रास्ता याद दिलवाया हुआ मेरे को याद आ गया आज। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है खेत की, हमने शॉर्टकट लिया है, और शॉर्टकट लेने के बाद हम यहाँ पे निकल आए हैं, और ट्रैफिक देख रहे हो, हमें एकदम मस्त वाला रोड मिल गया, थोड़ा ऑफ रोड तो है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतना चलता है। बट यार गर्मी हो रखी थी वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से ख़तरनाक वाली, बट यहाँ से हम इजीली आ गए हैं, और काफ़ी सारा ट्रैफिक भी कट गया हमारा। और यहाँ पर देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ट्रैफिक, और अपने तो चैबा लगी रहती है। हमें लेना लेफ्ट, तो चंडीगढ़ के एंट्री होते ही मतलब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, मतलब मिलता है हमें राम दरबार, तो हमें जाना राम दरबार फेज 2। सो गाइस, पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर, हम बाइक खड़ी कर देते हैं अपनी। तो ये हमारे आ गए हैं सुनील भैया, चलो।